आपको दिखता नहीं है तो आप यहाँ पर कैसे आए? एक कोने में सब खड़ा कर दो इसको। एक कोने दासी, इसको एक कोने में खड़ा कर दो आप, और माइक में कहो जो भी कुछ कहना है दासी को। कुछ अंदर को एक जगह खड़ा कर, एक कोने में खड़े हो जाओ आप। आपके पैरों की पायल की आवाज सुन के आ जाता हूँ। माइक में क्या जो कुछ कह रही है आप सब। अरे आप बेटे जीतता नहीं है, फिर आप आ गए यहाँ पर। कौन कहता नहीं जीतता है? आप ही कह रहे हो। दोनों स्कूल आए थे, जीत गया नहीं? आप ही कह रहे हो जीतता नहीं है। हमको सब कुछ जीत रहा है। ये कौन है, इनको जगाओ। ये हमारा नौकर सो रहा है। आपके नौकर है ये? जी। देखिए, यहाँ की जो राजकुमारी जी है उनका कहना है जो नौकर होता है उसको यहाँ का राजा बनाया जाता है और उसके साथ में शादी की जाती है। अच्छा, दिखाई पड़ेगा। और जो राजा होता है उसको फांसी दी जाती है। हम नौकर हैं। अच्छा, राजा बनाओ हमको। जो नौकर होता है ना उसी को फांसी दी जाती है। नौकर है, नौकर सो रहा है। अपने नौकरों को जगाओ। जगाएं, जगाओ। महाराज सो जाओ, महाराज सो जाओ। सुबह रहे हो, जगा रहे हो? ये ऐसी जगह नहीं। महाराज देवता रे, देवता देवता रे। महाराज देवता नहीं आए, दो देवी आई हैं। देवी एक तुम एक हम हमारा संग्राम देवताओं से चल रहा है, सही है। और तू हमको देवियों से मिला रहा है, है? कम कर, कम नीचे मार। मैं मिलना पुरुषोत्तम कौन हो? सोने वाले वीर पुरुषोत्तम कौन हो? ये जा रहे हैं यहाँ से, ये जाने की तैयारी में फैलिए। क्यों ऐसे आप नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये मेरी प्रतिज्ञा थी, मैं जिस पुरुष का मुख देखूंगी मैं उसी के साथ शादी करूंगी। सबसे प्रथम मैंने आपका मुख देखा। क्या कहा? हाँ। जिस पुरुष का सबसे पहले मुख देखोगी उसी के साथ शादी करोगी? जी। तो सबसे पहले मेरा मुख देखा है? मेरा मुख मेरी दासी ने देखा है, मैंने नहीं। आपने भी देखा? नहीं। सुनिए, ये मेरी प्रतिज्ञा थी, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं आपको भस्म कर दूंगी। भस्म कर दोगी? हाँ। पर लेकिन राजकुमारे, मेरा संग्राम देवताओं के साथ चल रहा है और मैं ना जाने कब तीर गति को प्राप्त हो जाऊँ, कोई पता नहीं है। तो महाराज, हाँ, आपनी गलती को मेरा करवा दो। कर लो। मैंने प्रथम को किनका देखा था? ये तो आपको आपसे करेगी। आप हमसे शादी करोगे या नहीं? हाँ करेंगे। ठीक है, शादी करो। ठीक है, मैं माला जी क्या किया। सभी मंत्र बोलेंगे और पिल्लू बंडे, उल्लू बंडे, उदार खंडे, अन्ना मन्ना, ये मर जाए तो हमको करना। चलो तारी जोर से। ये कौन सा मंत्र है? तो ये मर जाए ये बात संभाल के जानो बना। चलो तारी जोर से। आज मेरे बाप की शादी है, दो मामा पहनाई और वेद बच्चा कहता है ये दोनों का पहनाने का कारण क्या है? शादी की एक माला होती है परमोला जी, और ये दो दो माला जो है ये चीज की है। स्वामी, एक माला तो विवाह की है और दूसरी माला
एक पत्ती बिट्टा धर्म की है। मतलब इसका ये, जिस समय कोई मेरे साथ चल करेगा, ये माला आपके गले से टूट जाएगी और आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज महाराज, मैं भी बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। क्यों क्यों दुखी है महाराज? मुझे दो रोटियों का दुख है। दो रोटी तेरे लिए बिंदा भी बना देंगे। कौन बनाएगी? हमारी जो बिंदा है महाराज। दो रोटियों का दुख नहीं, मुझे बच्चा खिलाने का बहुत शौक। बच्चे हो जाएंगे, बच्चे खिलाना। टेंशन मत लो। तेरा कहने का तात्पर्य क्या ये समझा? बच्चा खिलाने का ही नहीं, बच्चा मतलब शादी करना चाहता है। नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है। मुझे शादी करनी है, मुझे करनी है शादी। करनी है? कोई लड़की पसंद है तेरे को? हाँ है ना। कौन है? महाराज, उड़ती हुई चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली और मैंने ये दासी पसंद कर ली। महाराज, शक्कर पड़ी हो जमीन पर, शक्कर चीनी पड़ी हो जमीन पर, जीभ से चाट जाऊं, आपकी आज्ञा हो तो दासी को लेकर के। उससे बात कर ले, अगर शादी के लिए तैयार है तो शादी कर ले। अच्छा, और भगने का नाम लिया तो मार दिया जाएगा। बैठो बैठो, मैं अपनी सेटिंग करता हूँ। ए भाई, हमें कोई कमी तो नहीं? ये कैप है, मर्दों वाली मूंछ है, कुर्ता पायजामा है, टाई है। ए ओ आओ आओ, आपका हो गया? क्या हो गया? वही वही क्या? वही 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 क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ है। कल से विवाह नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुई है? नहीं हुई है शादी। कर लो आपसे। और क्या? अपनी शकल दे दिया है मैंने। शकल? हाँ। तुझसे भी बुरा हूँ क्या? आपकी शकल पे 12 बजे नहीं, 12 तो नहीं बज रहे, अभी 10:30 बजे। मैं आपसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी 5 शर्त है। वो आप शादी शादी तो कर लेगी, 5 शर्त है। हाँ बाबा, शादी हुई थी, 5 शर्त मंजूर करनी पड़ती है। हाँ हाँ बाबू बोल रहे हैं। हमारा अंदर की माँ जाओ चिंता हो तो बताओ क्या शर्त है? मेरे लिए सुबह सुबह चाय बनानी पड़ेगी। चाय? हाँ बनाना पड़ेगा। अच्छा, अम्मा को देते हो बना के चाय? कोई बात नहीं, दूसरी है, बिस्तर लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अपना लगाएंगे, उससे एडजस्ट कर लेंगे। और बर्तन मांजने पड़ेंगे। भैया आप लोगों को क्या ख्याल है, चल रहे शादी हो जाएगी? हाँ शादी। ठीक है, बर्तन मांजेंगे, रात को मांज दिया करेंगे एक साथ। और आपको झाड़ू लगानी पड़ेगी। लाइट बंद करके लाइट बंद करने लगेगा। कोई बात नहीं, गेट गेट बंद करके झाड़ू लगा देंगे। और 5 ही संडे है, सुबह सुबह सर पर 5 चप्पल खानी पड़ेंगे। हाँ, ये दीवा घाट का जो यज्ञ का जो चौराया है ना, यहाँ सुबह सुबह खड़े हो गए मात्र 5 चप्पल घर पर। 5 चप्पल सिर पे? सिर पे। अब क्या पे, अब क्या ख्याल है आपके बाबा? पहले तो बोल दिया कर लो कर लो। बाबा भी कह रहे हैं। अच्छा कर ले, कोई बात नहीं है। कहते हैं राम कथा कछु दुर्लभ नहीं, और 5 चप्पल कोई ज्यादा नहीं। 5 चप्पल की तो बात है, कोई ज्यादा थोड़ी ना है। ले आ जाओ सभी तारी बनाएंगे जोर से। ये क्या है? ये शीशा है। ये ना, ये तो मुझे दिख रहा है, लेकिन है तो है क्यों? आप अपना इसमें मुख देख लेना। ये क्या है? ये डिब्बा है।
इसका क्या होगा? ये दीघा घाट में पूरे में आपको दूध मांग के लाना है। दूध मांगना है कि भीख मांगना है? नहीं, दूध मांगना है। अच्छा, दूध मांगना है। और ये क्या है? ये कौवा है महाराज। अब हमारी शादी हो गई और बर्बादी भी हो गई। अब क्या कहना चाहता है? अब हमको नौकरा वोकरा नहीं करना है। मुझे नौकरी कराने भी नहीं है। मुझे कम से कम 20 साल के लिए छुट्टी दे दो। 20 साल के लिए छुट्टी? एक हफ्ते की छुट्टी है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक हफ्ते में क्या होगा? कितने दिन की चाहिए? 20 साल की। 20 साल ठीक है, तो पूरी छुट्टी भी फ्री है। ले जाए इसको। आओ उठा ले जाऊंगा तुझे मैं गोदी में। रानी कमी, हमारा संग्राम देवताओं के साथ चल रहा है जी। और मैं संग्राम के लिए जा रहा हूँ, तो महलों में जाओ ठीक है, आराम करो। केदार में नारद जी ने बंदी कर जब विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु अब दैत्य बच्चा की शादी तो हो गई, अब दैत्य बच्चा घर से देवताओं से युद्ध करने गया है। विष्णु भगवान से नारद जी ने कहा, आप दैत्य बच्चा का जालंधर का रूप बनाइए और वृंदा एक पतिव्रता नारी है, उसका पति व्रत धर्म नष्ट करिए तभी मरेगा। प्रभु पांच मिनट और बैठ जाए बात। जालंधर के गले में सत्य की माला पड़ी है, बिना सत्य से है। जब तक उसका सत्य नष्ट नहीं होगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है जीनर। अब आपको जालंधर बनना है प्रभु, अपना रूप बदलिए और मुझे जालंधर बन के दिखाइए। ठीक है नारद जी, जाए मेरी नारायण नारायण आपका ही नाम तो जप रहा हूँ। हमारा नाम क्यों जप रहे? आपने ही तो कहा था। हमने कहा था हाँ भज्जालंधर। हमने तो नहीं कहा आपसे। ओ हम तो भूल ही गए अपने प्रभु से। हमने अभी कहा था कि आप अपना रूप बदलिए। प्रभु रूप बदल के आ गए और नारद ने पहचाना भी नहीं। प्रभु जब नारद ने आपको नहीं पहचाना तो वृंदा भी आपको नहीं जानेगी। आप जाइए, जैसे ही जालंधर देवता उसे युद्ध करे आप वृंदा के महलों में प्रवेश कर जाना। हाँ प्रभु, उसका सत्य जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक जालंधर नहीं मरेगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, उसके गले में माला है। ये विष्णु भगवान है और जालंधर का रूप बना के वृंदा के पास आ जाते हैं। वृंदा किवार खोल। आई स्वामी। वृंदा ने कहा, आई स्वामी। स्वामी अभी तो आप थोड़ी देर पहले युद्ध और संग्राम के लिए गए थे, पर आप तुरंत वापस। हाँ, संग्राम के लिए गए थे, हमारे सर में दर्द होने लग गया, हम वापस आ गए। ये दशा में आइए, आप विश्राम कीजिए। ये वृंदा है और ये विष्णु भगवान है। जालंधर का भेष बना के वृंदा का पति व्रत धर्म प्रभु नष्ट करते हैं, उसका सत्य लगाते हैं। तो वृंदा ने शादी के समय माना जो पहनाई दैत्य बच्चा को, आ
आज वो टूट के जमीन पे गिर जाती है, उसको क्या दुआ गंगा के साथ कोई छत्र। ये क्या हुआ? ये तो गंगा के साथ की महाराज की अचानक टूट गए, तो इसका मतलब मेरे मृत्यु मेरे को पास बुला रही है। ये शक्ति मेरे कोई काम की नहीं, विष्णु भगवान की शक्ति, विष्णु भगवान के पास में जा।